नमस्कार साथियों, आज 22 फरवरी 2020 को लेकर रीट भर्ती से लगभग जुड़ी दो खबरें हैं। पहली खबर है, शिक्षा मंत्री को रीट भर्ती में आ रही समस्याएं बताई गई है। लंबे समय से सभी वर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए संघर्ष कर रहे बेरोजगार समिति के अध्यक्ष हैं कचूरलाल यादव ने आज गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की थी और गोविंद सिंह डोटासरा से विकलांगों के लिए रीट भर्ती में आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि बात सुन ली गई है आपकी और जल्द ही विकलांगों की पात्रता में छूट देकर भर्तियों में शामिल का आश्वासन दिया है। तो मंत्री जी ने एक और आश्वासन दे दिया है कि एक और समस्या का हल करेंगे, लेकिन अभी तक मीटिंग का अता पता नहीं है। जितनी ज़्यादा विसंगतियां दूर करने की कोशिश करेंगे, भर्ती उतनी ज़्यादा अटक जाएगी, क्योंकि सभी विभाग अलग हैं, सभी विभागों की तरफ फाइल भेजनी पड़ेगी और ये भर्ती आगे खिसक जाएगी। तो आगे देखते हैं कि कब मीटिंग होती है। दूसरी खबर है, नई शिक्षा नीति 12वीं कक्षा तक शिक्षा के अधिकार को शामिल करेगी। इसके अंदर क्या खास है, भारत की शिक्षा नीति अंतिम रूप देने की तैयारी मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू कर दी है। भारत सरकार 2020 के शैक्षणिक क्षेत्र में ही देश की ओर नई शिक्षा नीति देना चाहती है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो साथियों, अगले महीने मार्च के अंदर आपको नई शिक्षा नीति भारत में लागू कर दी जाएगी। उसी के बाद ये अगले सत्र, मतलब कि अगली बार जब स्कूलें जून जुलाई के अंदर स्टार्ट होगी, तब भारत में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही उनको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री का ये दायित्व बनता है कि रीट का सिलेबस या नोटिफिकेशन कम से कम अप्रैल महीने से पहले पहले जारी कर दे, ताकि उस पर कोई कानूनी अड़चन नहीं आए और वह नई शिक्षा नीति से बच जाए।